अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ईयर खुश आमदीद आप लोगों को। बेटा चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। या आप लोगों को इधर लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स जो कि चेंज ना हो, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहे, वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स कहलाती है। तो उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उस वर्क डन की वैल्यू निकालनी है हमें। सपोज दैट हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, लाइक ए टेबल, अर्थ, किसी भी चीज हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने उसे रखा। एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास हमारे पास एम है, इसके ऊपर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया, एफ फोर्स लगाई। कोई भी फोर्स हमने एफ लगाई और ये अपनी पोजीशन चेंज करके पोजीशन ए से इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया और इसकी एक नई पोजीशन आ गई यहाँ पे पोजीशन बी, इस फोर्स की वजह से। ये जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डी, एफ फोर्स की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हमारे पास वर्क के बराबर होगा। सो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे हम, डब्ल्यू वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट है इसका। इसको खोल के लिख दें, एफ डी मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये डब्ल्यू के बराबर होगा। अगर आप एफ को कॉस थीटा के साथ लिखें, कॉस थीटा इनटू डी, तो इधर से एक और इसकी डेफिनेशन बनती है कि फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर हो, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर हो, उन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास वर्क डन के बराबर होगा। इधर से आप इसका यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसे कोई नंबर वन, इसे ले ले बाय कोई मान, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, जौल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर बराबर होगा जौल के, कैपिटल जे से छोटी है डेल्टा। इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर 1 न्यूटन की फोर्स है किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दी जाए और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहेंगे वर्क डन हमारे पास 1 जौल है। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 जौल। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, हमारे पास बॉडी ने हमारा कितना किया, जो वर्क डन होगा वो 1 जौल। अब ये चीज देख लें, एफ फोर्स है, डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जो वर्क डन होगा ये डिपेंड करेगा हमारे पास थीटा के ऊपर, थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेंट है 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री, और ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास लाई करेगी थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा, ये जो थीटा होगा हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा होगा, ये यहां से यहां तक मूव है, यानी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट के अंदर है 0, 90 एंड 180।
यहां से यहां सपोज दैट हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है यही थीटा है, ये 90 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे हो गया, एफडी कॉस ऑफ थीटा या एफ डॉट डीसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिख लें एफडी कॉस ऑफ थीटा, ये डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या होगा एफडी कॉस ऑफ थीटा एफडी कॉस 90 डिग्री, cos 90 cos 90 0 तो ये हमारा क्या हमारे पास क्या होगा 0 है। अगर यही थीटा की वैल्यू हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होती है, थीटा लेस देन 90 डिग्री तो लेस देन से लेस देन होगा तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से छोटा होगा तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव, तो ये थीटा हमारे पास वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा, वर्क डन w इज पॉजिटिव। एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा ये नेगेटिव होगा, W इज नेगेटिव। बेटा ये था तमाम का तमाम वर्कडन जो था वो बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर था। अब अगर आप इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो इस तरीके से देख लें कि सपोज दैट ये आपके पास डी है, डिस्प्लेसमेंट है और ये आपने फोर्स एफ अप्लाई की, ठीक है, इन एफ और डी का एरिया निकालना है। जब आप एरिया निकालेंगे तो ये एरिया बराबर किसके होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ हमारे पास कितनी है d और विड्थ हमारे पास है f की वैल्यू लगा दें या d की वैल्यू लगा दें तो ये एरिया हमारे पास कितना आएगा, एरिया बराबर आएगा f / d के। ये भी हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के जरिए से हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो कि चेंज नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।